देश के भविष्य और होनहार विद्यार्थियों, आज सभी के सामने हम 70वें गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं और इसी गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आज भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हम भारतीय तिरंगे को तहे दिल से नमन करते हैं। साथ ही साथ में हमारे देश के महान बलिदानियों, बलिदान पुरुष की गाथाओं को भी हम आज इस मौके पर स्मरण करते हैं। दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 को मित्रों जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी मिल जाने के बाद हमें 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात मित्रों सोचने की है। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तो फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमें गणतंत्र दिवस को मनाने की आवश्यकता इसलिए हुई मित्रों कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो ये एक शरीर के रूप में आज़ाद हुआ था और उस शरीर में 26 जनवरी 1950 को प्राण प्रतिष्ठा डाली गई हमारे अधिकार और कर्तव्यों के रूप में। उन्हीं अधिकार और कर्तव्यों को जो प्राण प्रतिष्ठा डाली गई थी, उन्हीं अधिकार और कर्तव्यों को पुनः निर्माण के लिए, उनका पुनः स्थापना के लिए आज हम 70वें गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मनाने जा रहे हैं मित्रों। और यही परंपरा, यही पुनर्स्थापना, यही संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये अनवरत चलती रहेगी और हमारे देश के जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है अपने, उन बलिदानियों के बलिदान को हम आज पुनः याद करते रहेंगे और ये कसम खाते रहेंगे कि अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे मित्रों। और इसके बाद क्या है दोस्तों, कहते हैं कि तैरना है तो समंदर में आके तैरो, किनारों पर क्या रखा है। कहते हैं कि तैरना है तो समंदर में आके तैरो, किनारों पर क्या रखा है, और मोहब्बत करनी है तो वतन से करो, हिंदू और मुसलमान में क्या रखा है, हिंदू और मुसलमान में क्या रखा है मित्रों। धन्यवाद साथियों। हमारे देश की आज जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है। तो भारत यद्यपि ये वीर भूमों की देश रही है, लेकिन फिर भी आज कुछ समस्याएं, आतंकवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हमारे देश में आज पनपती जा रही हैं मित्रों। तो इसके बाद क्या है कि अगर हम सत्यनिष्ठता और कर्तव्यता और नैतिकता से और अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो हमारे इस देश एक बार फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, एक बार फिर से एक नेतृत्व की श्रेणी में आएगा। मोहम्मद गोरी हों, गजनबी हों, ब्रिटिश आए, कई लोगों ने यहाँ पर अपना शासन किया, कई लोगों ने अपना यहाँ पर स्थापना की, लेकिन हमारा भारतवर्ष आज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है मित्रों। कहते हैं कि ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है और मैं इसका हनुमान हूँ, और सीना चीर के देखो तो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। सीना चीर के देखो, धन्यवाद मित्रों, बैठा अंदर हिंदुस्तान है। कहते हैं कि मित्रों कि आज की अगर हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे आए दिन हमें अपनी दिखाता रहता है, कह रही पाकिस्तान जो है हमारे देश से ही अलग हुआ है, कहते कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान कितनी भी अपनी हरकतें कर लें, और उसके ऊपर हम एक ये बात कहना चाहेंगे कि थप्पड़ खाए गद्दारों से, हम ऐसे मजबूर नहीं कि थप्पड़ खाए हम गद्दारों से, हम इतने मजबूर नहीं और सर झुकाने की हमें आदत नहीं, और हम भारत माता की वो संतानें हैं, हम किसी के बदुआ मजदूर नहीं मित्रों। धन्यवाद साथियों। और कहते हैं कि धर्म की और जात की बात की लड़ाई नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, और इंसानियत यही धर्म है कि जियो तो सिर्फ वतन के नाम पर। धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं कि मैं भारत को हृदय से सम्मान करता हूँ, मैं भारत को हृदय से अति सम्मान करता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं गणतंत्रता का गुणगान करता हूँ, मैं भारत को तहे दिल से सम्मान करता हूँ और इसी के साथ मैं गणतंत्रता को भी गुणगान करता हूँ।
कहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे मित्रों, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे और शहीदों की मित्रों ये कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की अगर एक भी बूंद, अगर बची है लहू की अगर एक भी बूंद, तब तक भारत माता का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। तब तक भारत माता का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। मित्रों कहते हैं कि शोले की सर्द, कहते हैं कि शोले की सर्द होंगे हौसलों में फिर से उड़ान होगा। शोले भी सर्द होंगे और फिर से हौसलों की उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी कदमों में आसमान होगा। दुनिया सलामी देगी और कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे भारतवासियों, वो दिन दूर नहीं मेरे भारतवासियों, जब फिर से विश्वगुरु हिंदुस्तान होगा, जब फिर से विश्वगुरु हिंदुस्तान होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर से विश्वगुरु हिंदुस्तान होगा। और मित्रों आगे क्या बताएं, हम तो आगे बस यही कहते हैं कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो तो पता चलेगा कि मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। मित्रों इन्हीं बातों के साथ और फिर से हम एक बार आपसे विदा लेना चाहेंगे और चलते चलते एक बात कहेंगे कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही धर्म है कि बस जियो अपने वतन के नाम पर, बस जियो अपने वतन के नाम पर। तो बस कहते हैं कि बस इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। मित्रों कहते हैं एक छोटी सी बात के बाद कि चीज़ें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंच ही जाएंगी, कि अगर चीज़ें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंच ही जाएंगी, और यदि जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंच ही जाएंगी। और ये पेश कर ये मेरी कविता का एहसास है, ये पेशकारी मेरी कविता का एहसास है दोस्तों। दिल से निकलेगी तो आपकी तालियों तक पहुँच जाएंगी, दिल से निकलेगी तो आपके तालियों तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, इसी शब्दों के साथ हम आपसे दोबारा फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे लिए, जय हिंद जय भारत। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। नमस्कार मित्रों।